कानपुर में डेंजरस स्टंट, मासूम की मौत से जंग। सुपर हीरो वाली चाहत, बच्चों के लिए मौत की दावत। बच्चे ने देखा फिल्म क्रिश, ले लिया मौत वाला रस। पलक झपकते जाएगी जान, हर माता पिता सावधान। खतरे में मासूम की जान, सावधान। आज एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो जो हर माता पिता को सावधान कर देगा, उन्हें सतर्क कर देगा। दिखाएंगे वो तस्वीर और यही कहेगा कि माता पिता डरो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। कानपुर में एक बच्चे ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। बच्चा बच तो गया लेकिन उसे गंभीर चोट आई है। सवाल है कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्यों किया? क्यों तीसरे क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने 16 फीट नीचे छलांग लगा दी? आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? क्या किसी ने उसे कूदने को कहा? क्या किसी ने शर्त लगाई थी? या बच्चे को सुपर हीरो बनने की चाहत थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्कूल में बच्चों का थ्रिल, तस्वीरें दहला देंगी दिल। हर माता पिता देखें जरूर, बच्चों को न करें मजबूर। दस सेकंड का ये वीडियो आपको 100 बार सोचने को मजबूर कर रहा होगा। इस बच्चे की छलांग ने आज हर माता पिता के दिल को झकझोर कर रख दिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद हर पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए। ये दिल दहला देने वाली घटना कानपुर के किदवई नगर की है, जहां एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने पहली मंजिल से छलांग लगा ली। अचानक वो रेलिंग पर खड़ा होता है और फर्श पर कूद जाता है। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के मुंह और पैर में चोट लगी है। अवक अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद ये मान लेते हैं कि उनका बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार स्कूल की गलतियां बच्चों पर भारी पड़ जाती हैं और कई बार बच्चों को जिंदगी भर के लिए, पेरेंट्स को जिंदगी भर के लिए इसका दंश झेलना पड़ता है। जिसकी नजीर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में देखने को मिली, जहां लंच के वक्त बच्चा न केवल पहली मंजिल पर चढ़ा बल्कि वहां से उसने छलांग भी लगा दी। बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से उसे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 महीने तक बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। अब इस छलांग के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। आखिर 8 साल के बच्चे के मन में ऐसा क्या आया कि उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया? बताया जा रहा है कि सुपर हीरो पर बनी फिल्म क्रिश से प्रेरित होकर बच्चे ने छलांग लगा दी। पूरी घटना 19 जुलाई की है, जब स्कूल में बच्चे ने रेलिंग के पास मौजूद कूड़ेदान को पलट दिया और उसके ऊपर चढ़कर छज्जे की जाली पर खड़ा हो जाता है। जब तक नीचे मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक बच्चे ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि स्कूल में 3 दोस्तों में स्पाइडरमैन की तरह कूदने की बातचीत हो रही है। स्पाइडरमैन की तरह कौन कूद सकता है, इस बात को लेकर शर्त लग गई, जिसके बाद ही बच्चा 4 फीट की रेलिंग बांधकर 16 फुट नीचे कूद गया। स्कूल में हुई इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाई और बच्चे को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। साथ ही उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। उधर किदवई नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि इस मामले में उसके परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। हाँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा वो अपने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गया।
बच्चा अभी जो है अपने घर पे है, अपने परिजनों के साथ है। इसमें परिजनों ने थाने पे किसी भी तरीके तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर देते हैं तो कृत कार्रवाई की जाएगी, बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमने इस बारे में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी बोलने के लिए बाहर नहीं आया। जबकि तमाम बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनको ये बताया गया है कि वो लड़का छत से कूदा नहीं बल्कि वो गिर गया था। हालांकि बच्चे भी ये बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया, उन्हें ये बताया गया है कि बच्चा डस्टबिन पर चढ़ा था और उसका पैर फिसला और वो गिर गया। जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्चा पहली मंजिल पर गया, डस्टबिन के ऊपर चढ़ा और उसने छलांग लगा दी। वो एक सुपर हीरो की छवि अपने में देखता था और उस सुपर हीरो की तरह एक्टिंग करने के लिए उसने इस तरीके का कदम उठाया। और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उसने पेरेंट्स को सोचने मजबूर कर दिया है, साथ ही साथ टीचर्स और स्कूल प्रशासन को भी सोचने मजबूर कर दिया है कि बच्चों की मनोवृत्ति को समझा जाए और कोई हादसा हो उससे पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट और तस्वीर देखी, ये तस्वीर दिल को दहला देने वाली है और हर माता पिता के लिए ये पांच जरूरी सवाल गौर से सुनिएगा। बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं, पहला सवाल। दूसरा, बच्चों के फ्रेंड जोन के बारे में क्या आपको पता है कि आपके बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, टीवी पर बच्चे क्या देखते हैं, क्या आप इसकी निगरानी करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, जो बात निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है वो दिल को दहला देने वाली है। चौथा सवाल ये कि बच्चों की मानसिकता किस ओर है इसकी जानकारी है, क्या आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, कैसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो इसे जानने की कोशिश करें कि उनकी मानसिकता किस ओर है। पांचवा आखिरी सवाल, स्कूल और घर से बाहर बच्चे की गेमिंग एक्टिविटी क्या है, इसे भी जानने समझने और परखने की बहुत जरूरत है। कानपुर में जो घटना हुई है उसके बाद से कई अभिभावकों के मन में डर बैठ गया है, जाहिर तौर पर बैठना भी चाहिए, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, उन्हें अपने बच्चों के हर एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी। बच्चे दिन भर जिन सुपरमैन बैटमैन को देखते हैं उन्हीं की तरह स्टंट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ संवाद बहुत जरूरी है। रिपोर्ट पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है और स्कूल के लिए भी मैसेज है। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि बच्चों को रियलिटी, जो वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे खो रहे हैं उसे बाहर निकालिए, उन्हें रियल वर्ल्ड में लेके आइए। और स्कूल के लिए भी है, और न केवल इस स्कूल के लिए, सभी स्कूलों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो आप बाउंड्री है उस वहां से लेकर के और छत तक लोहे का एक जाल लगाइए। आज बड़ी बड़ी जितनी इमारतें होती हैं उन इमारतों में लगाया जाता है कि अगर कोई ऊपर से गिर जाए तो उसको चोट ना लगने पाए, है ना। बच्चा चाहे अपनी गलती से गिरे और या बच्चे जो है जानबूझ के गिर जाए, किसी वजह से गिर जाए, अगर आप लोहे का एक जाल लगा रहता तो ये कल दुर्घटना ना होती, ये बच्चा बच जाता। नहीं, इसमें स्कूल का हम दोष इसलिए, स्कूल का और टीचर्स का नहीं, क्योंकि बच्चों का माहौल, घर का माहौल जो आप देंगे। आप कहते हैं स्कूल में बच्चा गाली बकता है, लेकिन सीखता कहाँ से, आप ये बताएं। जब घर से सीखेंगे तभी स्कूल में देंगे। तो आप बच्चों से कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि वो अपने अंदर की हर बात, हर फीलिंग पेरेंट्स से बता सके। अगर डरेंगे सर, तो डरना कोई हल नहीं है। सिर्फ ये है, आप अपने बच्चों का, सिर्फ हम यही कहते हैं, आप बच्चों को ऐसा बनाए वो अपनी बात, उसकी भी फीलिंग समझे, ऐसा नहीं हर बात में डांटना मारना, ये जरूरी नहीं है। ये सर कि अपने बच्चों को ध्यान दे, ज्यादा मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल पर इस तरह की चीजें ना देखें, और बच्चों को समझाएं कि नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, यही सब है सर। और स्कूल तो सर बहुत अच्छा है, स्कूल की तो कोई, हाँ, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे समय ना दे, अपना पढ़ाई पे और खेलों पे, बाहर जाके खेले, लेकिन हाँ ये मोबाइल से ही ये सब है, ये सब जो भी दिक्कत है सब मोबाइल से। अरे सर बहुत ज्यादा, सारा दिन हम लोग भी डांटते हैं इसे मोबाइल के लिए, लेकिन वही आजकल बच्चे सुनते नहीं, लेकिन हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे फिल्म देखकर सुपर हीरो बनने की चाहत क्यों रखते हैं, आखिर उनकी मानसिकता क्या होती है और उनकी बदलती मानसिकता पर नजर कैसे रखें, इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिक से बात की, देखिए।
कोई भी दो राय नहीं है कि आता ये एक ऑब्सेसिव बिहेवियर की श्रेणी में ही है। आजकल इस बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर हावी हो गया है कि आजकल बेड टाइम पर भी बच्चे अक्सर मोबाइल कैरी करके बेड पर जाते हैं। और इसका बहुत ज्यादा जो एक श्रेय है वो ये है कि आजकल पेरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसी वजह से एक डाइवर्जन के रूप में बच्चे के पास एक ऑप्शन है जो पहले पार्क की एक्टिविटीज और बाहरी स्पोर्ट्स का हुआ करता था, वो आजकल मोबाइल की एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। ऐसे में बच्चों के अंदर ये जो घटना जैसे पाई गई, इस घटना को एक तरीके से एक ऑब्सेसिव बिहेवियर के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कि उसने एक नेगेटिव रोल मॉडल को, एक सुपरमैन की छवि को अपने अंदर देखने के चक्कर में इस तरीके का एक अटेम्प्ट कैरी किया। तो ऐसी चीज को देख करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक इन्फ्लुएंस उस बच्चे के दिमाग पर होगा और किस लेवल का डिस्कशन हुआ होगा उन बच्चों के बीच में। आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा रिचुअलिस्टिक चीजें कर रहा है, जैसे बार बार उन्हीं वीडियोस को देखना, बार बार उन्हीं इमेजेस को देखना, बार बार अपने फ्रेंड्स से भी उन्हीं चीजों का, या अक्सर उनकी नोटबुक्स के पीछे भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ बना हुआ मिल जाता है, बच्चों को थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए। तो उससे आप ये देखेंगे कि बच्चों में जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो रहे हैं, जैसे उसी कैरेक्टर को परचेस करना, उसी कैरेक्टर को देखते रहना, उसी से रिलेटेड ये आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियोस को सर्च करना, उसी की टी शर्ट्स खरीदना, क्योंकि आजकल सब चीजें मिल करके किसी भी कैरेक्टर या चीज को प्रमोट करती हैं, तो बच्चे के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनती है कि ये असीमित शक्तियां तो मेरे अंदर भी आ सकती हैं। जैसा कि उस छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी में आ गया कि अरे फ्लाई करना तो बड़ी आसान सी बात है, शायद ये ताकत मेरे अंदर भी आ जाए। तो इसलिए रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स को अनदेखा मत करिए। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहे। भाई मेरा सामान रेडी है।